रख शुरू हो गया, मैं बता नहीं सकती कि मैं खुश हूँ। मैं अभी तो फोर प्ले, अभी तो फोर प्ले है, आगे लंबा गेम है। ये जा रहे हैं हम ट्रैक की ओर, अभी तो शहर के थोड़ा सा बाहर आए। फिर से बता देते हैं, लामा लुक ट्रैक ट्रैक ट्रैक। ओल्ड मनाली से ऊपर 7 किलोमीटर के आसपास, उस सामने दिख रही हैं आपको पहाड़ियाँ बर्फ की, जहाँ हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वहाँ से और साफ दिखेंगे। ये जंगल पार करना है हमें, ये वाला ये पैच, इसके बाद एक और पैच है वो वाला, वो पार करना है और फिर हम पहुँच जाएंगे लामा डुक पॉइंट। चार भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कमजोरी एवं ताकत के लिए मिले डॉक्टर थालिया से बस स्टैंड के पास, वहाँ कोई जड़ी बूटी देगा, सब ट्राई कर सकते हैं पहाड़ पे। बंदर आया, अरे अरे मंकी, वाओ। रात को मेरे सपने पे बंदर आया था और मैं उसके बच्चों को कहीं छोड़ आया, तो फिर वो बाद में फिर आया, तो जब वो फिर दोबारा आया तो वो पूरा नीला हो चुका था। ये सच का सपना बता रहा हूँ भाई, बात नहीं हो रही, मजाक नहीं कर रहा मैं, तो वो पूरा नीला हो चुका था। फिर मैं और मेरी मम्मी ने क्या किया, उसके बच्चों को जाके वापस लेके आए, ठीक है। फिर उसके फिर से बाल आ गए, वो ठीक हो गया, पता नहीं क्या था लेकिन सपना था भाई, अब वो बताना था मेरे को। अभी बंदर को देख के याद आया तो मैंने बता दिया। वाव, लुक एट द व्यू, सीनरी। आप लोकल लोगों से रास्ता पूछ भी सकते हैं, ज़्यादा गूगल के भरोसे भी मत रहिएगा। ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लामा डुक ट्रैक, यहाँ से शुरू होता है सफ़र, जो कि सबसे पहले आएगा मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान से देखिए, ये जंगल का रास्ता है और यहाँ हमारे अंदर का बेयर ग्रिल जा गया। लामा डुक, हाँ 10 किलोमीटर, बहुत सही, मज़ा आएगा तुषार भाई, चला जाए। चलो, रास्ते में पत्थर गिरे हुए हैं। लोगों कौन? हाँ ये ट्रैक्स हैं और वो पीछे मनाली है, सारा मनाली पीछे रह गया, आगे आगे अपन चलते हैं। अब लामा डुक को चल ही रहे हैं। तो ये है मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गेट, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना सब लिखा हुआ है। घना भयानक जंगल, और भयानक नहीं खूबसूरत जंगल। अब हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हमें इस साइड जाना है या उस साइड के रास्ते जाना है, बट ये है पूरा जंगल ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। वी आर लकी, घोस्ट इनसाइड लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घुसते ही पूरी एक दीवार खुल गई अलग, वाह। आगे और सही है, चलो चलते हैं आगे की ओर। ये देख रहे हो सामने, सर लायन किंग वाला लग रहा है।
आगे ये पहाड़ अगर पार करके वो पूरी रेंज जैसे दिखे तो उसका मजा कुछ प्लेन एरिया आएगा आगे तक मेरा। अब कहाँ है ट्रैक? तो यहाँ आके ऐसी जगह होते हैं कुत्ते फेल। यहाँ पे पूरी बर्फ है और ये जाके पहले देखना पड़ेगा क्योंकि रास्ता है ही नहीं, यहाँ से रास्ता बंद है आगे से पूरा। तुषार भाई जाके देख रहे हैं। ओह इजी 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 एक पैर। हाँ 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 तो जहाँ ये पैर रखेंगे वहीं मुझे पैर रखने होंगे, ऐसा ही हो सकता है और कोई चारा नहीं है। ऐसा बहुत होता है ये नज़ारा बाकी का। ये पता है ये सबसे क्या ऐसे सबसे डेंजरस टाइम नहीं है, या तो पूरी बर्फ जमी हो। हाँ वो आदि में आपको नहीं पता घस के नीचे आप पत्थरों में घुस। हाँ और आपकी बॉल्स पे चोट लगे ना तो नुकसान ज़्यादा है। तो हम तो मस्त मौला हैं, देखेंगे जहाँ हुआ वहाँ जाएंगे, नहीं तो गुड्डू टेंट यहीं लगा ले वो कर देंगे। हाँ हो जाएगा। चलो आता हूँ मैं भी। चलो साथियों मैं भी चलता हूँ। ये पैच हो गया पर थोड़ा मुश्किल था, ज़्यादा जूतों के कारण होती है ये दिक्कत। जूते अच्छे हों तो चल सकते हो। आगे ये हाल है, ट्रैक खुला नहीं है बट लेट्स ट्राई जहाँ तक हम जा सकते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे ट्रैक। देखा क्या है ये लंबा डुक, रिस्क लिया थोड़ा सा बट रास्ता सही है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। इस सीजन का ट्रैक खोल रहे हैं हम। पहले लौंडे हैं, किसी के कदमों के निशान नहीं है। सुरकुंडा में मैंने जो ट्रैक किया था इससे पहले, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो उसमें मैं और ध्यानी भाई थे। एक अच्छी चीज़ हुई थी वो ये थी कि वहाँ पे हमसे एक दिन पहले एक ग्रुप गया था तो हम उनके पैरों के निशान फॉलो करके चले गए थे। तो यहाँ हमें बनाने होंगे। देखो लंगूर दिखने लगे, इंसानों को देखकर भागने लगे। यहाँ हमें पैर बनाने होंगे जो किसी और के काम आएंगे लगता है। ये बर्फ है अभी, आगे दिखाएंगे, आगे ज़्यादा बर्फ है पक्का। कर लिया भाई, ये भी पार कर लिया, छोटा सा ट्रैक पार कर लिया। ये पैचेस, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया, ये देखो बैरिकेड हो रखी है पूरी। स्नो लेपर्ड्स तो होंगे ही होंगे यहाँ। तो यहाँ एक बढ़िया सी नींद निकाल ली गई है और भालू के पैर भी देख लिए गए हैं मन की तसल्ली के लिए। अब हम वापस जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आगे का रास्ता काफ़ी बर्फ़ है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ से वापस चलते हैं। मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर बर्फ़ गिर रही है पीछे की साइड को ऐसा लग रहा है। चलो भाई वापस चलते हैं, मिलेंगे।